तो धोखा हमें बात कर लेते हैं गर्मी के थर्ड डिग्री टॉर्चर की। देश के कई राज्यों में लू के थपोड़ों ने लोगों को झुलसा दिया है और अब मौसम विभाग की माने तो मई के महीने में यानी कि अगले महीने से आपको बता दें कि तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्यों में इन दिनों बिजली की कटौती ने सरकार और लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है। खासकर उत्तर भारत में हालात बेहद खराब हैं। दिन में घर से बाहर निकलने पर लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल महीने में पड़ी गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल उत्तर पश्चिम भारत में औसत तापमान 35.9 डिग्री रहा तो वहीं मध्य भारत में औसत तापमान 37.7 डिग्री दर्ज किया गया है। अप्रैल का यह आंकड़ा बीते 122 सालों में सबसे ज्यादा है और अब मई के महीने में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश में एक तरफ गर्मी अपना कहर बरपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में बिजली की कटौती ने हाल बेहाल कर दिया है। राज्यों में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है लेकिन डिमांड के मुकाबले पावर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली के संकट को देखते हुए रेलवे ने झारखंड समेत बाकी कोल बेल्ट से कोयले की लोडिंग तेज कर दी। वहीं अब पावर प्लांट्स को लगभग दुगनी मात्रा में कोयला भेजा जा रहा है। जो अदर कॉमोडिटीज जो बॉक्स में लोड होती है उसको प्रायोरिटी कम कर दी गई है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में कोल की लोडिंग हो रही है और जो हम लोग के एरिया है रांची धनबाद बिलासपुर ये सब कोल रिच एरिया है, यहाँ से जो कोल माइन होती है वो ऑल ओवर इंडिया जाती है और ये जो अभी सीजन है ड्राई सीजन है इस समय मैक्सिमम कोल का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा डिमांड भी कोल का पावर प्लांट से अभी ही रहता है। गर्मी का सीजन है डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है पावर का तो प्लांट में कोल की आपूर्ति कम हो गई है। जब सबसे ज्यादा क्राइसिस में कोल का सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय ये डिसीजन लिया गया। कुछ जो ट्रेन्स है बहुत हालांकि काफी कम ट्रेन्स है उनके प्रायोरिटी में कोल को पात दिया जाए। कोल रिक्स पावर प्लांट्स में कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या शुरू हो गई है। कुछ शहरों में तो बिजली 12-12 घंटे तक काटी जा रही है। हालांकि रेलवे पावर प्लांट्स तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए कई ट्रेनें रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। इससे कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। बढ़ते आगे रूस यूक्रेन युद्ध का